Hey guys, in today's video we are going to start with a new chapter from class 12 organic chemistry, which is aldehydes, ketones and carboxylic acid. Last chapter jo humne kiya tha, it was alcohols, phenols and ethers, and in that we talked about the functional groups which contain carbon oxygen single bond, right? Now in this chapter we are going to talk about the functional group which contains carbon oxygen double bond. So let's first talk about the kind of functional groups that we have to study in this chapter. देखो last chapter में हमने ऐसे functional groups पढ़े थे जिसमें C single bond O था, मतलब C और O के बीच में एक single bond present था. कौन कौन से functional group आते हैं इस category में? इस category में हम देख सकते हैं alcohols, जिनका general formula होता है ROH. इस category में we can talk about phenols. फिनॉल्स हमें बनाने आते ही हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, तुम्हें बस OH दिखाना है. दिस इज योर फिनॉल OH, राइट? यहां पे भी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है. और इस कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे ईथर्स, जहां पे अगेन हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अब इस चैप्टर में हमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सच फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर हैविंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? और यू कैन जस्ट सिंपली कॉल इट कार्बोनिल. दिस इज नोन एज कार्बोनिल, राइट? अब देखो इस कार्बोनिल से हम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जनरेट कर सकते हैं वो देखते हैं. देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एल्डिहाइड से. तुम्हें चैप्टर के नाम से ही समझ आ गया होगा कि तीन मेन फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ पे पढ़ने हैं. अब इन तीन के अलावा भी कुछ और फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं विच आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हियर, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट से. ऑब्वियसली कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही, तो कार्बोनिल ग्रुप बनाया. अब देखो कार्बोनिल ग्रुप के अगर एक साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरी साइड पे या तो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या फिर कोई एक कार्बन चेन प्रेजेंट हो, तो अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिख रहा है देन सच अ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइड, ठीक है? इसको हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड. लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज कीटोन. अब देखो कीटोन में क्या होगा, अगेन यू हैव टू ड्रॉ दिस सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल, और कार्बोनिल के दोनों साइड पे तुम्हें क्या दिखानी होंगी? कार्बन चेन्स, ठीक है? इस बार सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों ही साइड पे क्या प्रेजेंट होने चाहिए? कार्बन चेन्स प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों आर ग्रुप होंगे. देन सच अ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अ कीटोन, ठीक है? इसको हम क्या कहेंगे? कीटोन. अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड पे. देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, अगेन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज प्रेजेंट. एक साइड पे तुम दिखाओगे कार्बन चेन और दूसरी साइड पे तुम दिखाओगे इसके ओ एच ग्रुप, ठीक है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाना है तुम्हें दूसरी साइड पे. तो सच अ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं, यानी कि इसी मॉलिक्यूल से हमें डिराइव करने हैं कंपाउंड्स, राइट? इसको एज अ मेन कंपाउंड लेके इससे हम डिराइव करेंगे दूसरे कंपाउंड्स, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. तो देखो जरा इसके डेरिवेटिव तुम कैसे बनाओगे. सेम चीज एज इट इज बनाओ. सी डबल बॉन्ड ओ, दिस साइड यू कैन शो आर. अब देखो OH हटा के यहां पे इस OH को हटा दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से और इसकी जगह तुम पुट कर दो हैलाइड, ठीक है? और हैलाइड को हम किससे डिनोट करते हैं? विद द सिंबल X. तो अगर तुम OH की जगह एक हैलाइड पुट कर दोगे देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज एसाइल हैलाइड, ठीक है? इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज
एसाइल हैलाइड, राइट। आप और भी तुम इसके डेरिवेटिव्स बना सकते हो। सपोज तुमने क्या किया, सी डबल बॉन्ड ओ, इस साइड आर सिंगल बॉन्ड ओ। अब देखो हाइड्रोजन हटाना है तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड में से, और उस हाइड्रोजन की जगह तुम्हें पुट करना है एक कार्बन चेन, ठीक है। लेट्स सी कि वो कार्बन चेन क्या है, आर डैश। या तो तुम सेम भी ले सकते हो या डिफरेंट भी ले सकते हो, यू कैन टेक इट एज आर, यू कैन टेक इट एज आर डैश और समथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नया ग्रुप जनरेट हुआ है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, दिस ग्रुप इज नोन एज एस्टर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज एस्टर। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और डेरिवेटिव होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, विच इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। तो समझते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड तुम कैसे बनाओगे, ठीक है। अब हम बनाने वाले हैं एसिड एनहाइड्राइड। देखो एनहाइड्राइड से तुम क्या समझते हो, एनहाइड्राइड जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, यानी कि विच इज डेफिशिएंट ऑफ वाटर, जिसके पास पानी नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं जिससे पानी निकाल लिया गया है। तो यहाँ पे एनहाइड्राइड यानी कि जिसमें से वाटर का रिमूवल हो चुका है, तो एसिड में से पानी का रिमूवल हो चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एसिड एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल बनाएंगे। कैसे बनता है वो, तुम्हें बस सिंपली दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है। सो आई एम टेकिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स हियर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। तो ये क्या है, एनहाइड्राइड है, यानी कि इसमें से तुम्हें क्या करना होगा, एक पानी का मॉलिक्यूल निकालना होगा। सो यू जस्ट सिंपली रिमूव वाटर फ्रॉम हियर, एच टू ओ, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। देखो ये पानी तो गया है यहां से, तो ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल यहां पे फॉर्म हुआ है, दिस इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू हाउ टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ये भी हमारा डेरिवेटिव ही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अब एक और मॉलिक्यूल है विच आई वॉन्ट टू शो यू, तो यू कैन राइट इट हियर। सपोज If you are having C double bond O, फिर से यही वाला ग्रुप बना रहे हैं कार्बोनिल, इस साइड पे हमने दिखा दिया R ग्रुप और इसके दूसरे साइड पे हमने दिखा दिया NH2 ग्रुप, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, जो OH था उसको हटा के हमने क्या अटैच कर दिया, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप अटैच कर दिया तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाता है, दिस इज नोन एज अमाइड, ठीक है। दिस कंपाउंड इज नोन एज अमाइड, फाइन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन डिटेल। नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं। देखो कार्बोनिल क्या है, इट इज जस्ट सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो हमने देख ही लिया, C double bond O, this is known as carbonyl group. अब यहाँ पे इस carbon atom की hybridization क्या है? Because this carbon atom is double bonded, so we can say that the hybridization of carbon atom over here is sp2. ठीक है? sp2 hybridized है, यानी कि इसमें कितने sigma bonds होंगे? देखो कितने orbitals हैं hybridized वाली? एक s है, you can write it down here as well. एक s ऑर्बिटल है यहां पे और उसके साथ दो p ऑर्बिटल्स हैं, राइट। सो टोटल देयर आर थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट। इफ थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर देयर, दैट मींस दिस कार्बन एटम मस्ट हैव फॉर्म्ड थ्री सिग्मा बॉन्ड्स, राइट। तो यहां पे देख भी सकते हो तुम, कार्बोनिल जो होता है ग्रुप, इट फॉर्म्स थ्री सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि इसके पास क्या है, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया तुम्हारा ये वाला, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया ये वाला, और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया तुम्हारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, राइट।
और ये जो तुम्हारा फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन बचेगा कार्बन आटम का, देखो क्योंकि कार्बन आटम के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस, तो तीन इलेक्ट्रॉन्स तो उसने यूज कर लिए सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, बट जो तुम्हारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन बचा है कार्बन आटम के पास, वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसके पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ, दिस इज ओ, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, राइट। अब देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो बचा है कार्बन आटम के पास, दैट फोर्थ इलेक्ट्रॉन लाइज इन द एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आटम, और ये जो पी ऑर्बिटल होती है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिस पी ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद द पी ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन आटम, ठीक है। तो दोनों की पी ऑर्बिटल्स तुम्हारी ओवरलैप करेंगी एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि सपोज कि ये कार्बन आटम था तुम्हारा, ठीक है, और इसी के प्लेन में, हम अभी प्लेन की बात करेंगे, तो कार्बन आटम था यहां पे मानो सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है, और जो दो बॉन्ड्स तुम्हारे बने हुए हैं ये वाले, वो ऐसे ऐसे मान लेते हैं, तो कार्बन आटम, ऑक्सीजन आटम एंड दीज टू बॉन्ड्स। तो ये वाले जो एटम्स अटैच्ड हैं कार्बन आटम से, दीज आर लाइंग इन द सेम प्लेन, ठीक है, यानी कि कार्बन आटम, ये वाले दो एटम्स और ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दीज एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है या जो इसकी शेप है वो क्या है, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनर। ये सारे एटम्स जो हैं दे आर लाइंग इन वन प्लेन ओनली, लेट्स से इट इज दिस प्लेन, ठीक है। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम था, ऑक्सीजन के ऊपर देयर इज पी ऑर्बिटल, कार्बन के ऊपर देयर इज पी ऑर्बिटल, तो ये दोनों पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी एंड देयर इज गोइंग टू बी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारी होगी अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, जस्ट लाइक दिस। और ये वाले जो एटम्स होंगे, लेट्स से कि ये ए है, ये बी है, तो ए बी सी और ऑक्सीजन एटम जो होंगे ये सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, और इसके ऊपर और नीचे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट ओवर हियर दिस सेकेंड बॉन्ड इज योर पाई बॉन्ड, राइट। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है, यानी कि बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, यहां पे बॉन्ड एंगल तुम्हारा हो जाएगा 120 डिग्रीज, ठीक है। हमें ऑलरेडी ये चीज पता भी है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो हमारा बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 120 डिग्री ही होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेजोनेंस ऑफ दिस कार्बोनल कंपाउंड। देखो यहाँ पे जो कार्बोनल ग्रुप होता है हमारा, वी से दैट इट शोज रेजोनेंस, ठीक है। सो सी डबल बॉन्ड ओ, ये यहां पे कार्बोनल कंपाउंड प्रेजेंट है तुम्हारा न्यूट्रल फॉर्म में, राइट, बट बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट, तो क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट्स शिफ्टेड ऑन टू द ऑक्सीजन एटम, तो यहां पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये ओ माइनस, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि कार्बन ने दे दिए हैं तो कार्बन पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दिस फॉर्म ऑफ कार्बोनल कंपाउंड इज नोन एज इट्स डाइपोलर फॉर्म, क्योंकि यहां पे ये क्या है, एक डाइपोल जैसे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। यहां पे ये न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, बट इसने रेजोनेट किया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और यहां पे एज अ डाइपोल की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी ऑल्सो से दैट हियर कि जो पोलैरिटी होती है कार्बोनल कंपाउंड की, वो हमारी हायर होती है इन कंपैरिजन टू योर ईथर। अगर तुम्हें याद हो, हमने ईथर की बात करी थी इन द लास्ट चैप्टर, और ये बोला था कि ईथर जो होते हैं दे आर वीकली पोलर, राइट। ईथर में किस टाइप का बॉन्ड होता है, ईथर में कार्बन
ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, राइट? तो ईथर्स की जो पोलैरिटी होती है, वी से दैट इट इज लेस इन कंपैरिजन टू द पोलैरिटी ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहां पे ये रेजोनेट कर सकता है, ठीक है? तो क्योंकि ये रेजोनेट कर सकता है, इसीलिए इसकी पोलैरिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू ईथर्स, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन हियर. वन मोर थिंग यू कैन नोटिस हियर कि देखो, कार्बन के ऊपर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, राइट? सो वी ऑल्सो से दैट द कार्बन एटम ओवर हियर एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह यहां पे काम करेगा, यानी कि दिस इज गोइंग टू एक्ट एज लुइस एसिड. लुइस एसिड कौन से कंपाउंड्स होते हैं? लुइस एसिड वो होते हैं विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? लुइस बेसिस वो होते हैं विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. तो लुइस एसिड की तरह ये कार्बन सेंटर काम करेगा, बिकॉज नाउ इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, राइट? इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. वेयर एज दिस ऑक्सीजन एटम, सिंस इट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, तो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, यानी कि इट कैन अटैक सम अदर सेंटर. तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है? अगर ये न्यूक्लियोफिलिक है, दैट मीन्स इट कैन ओवर हियर एक्ट एज लुइस बेस. लुइस बेसिस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं दूसरों को, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है दूसरों को, ठीक है? तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये एक लुइस बेस की तरह एक्ट करेगा. वेयर एज कार्बन सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इट कैन एक्ट एज लुइस एसिड, ठीक है? सो दिस इज इट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड.